रिस्क लेने में बहुतों की फटती है। रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती। रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरे दोस्त एक बादशाह बनने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। तुम इस दुनिया को जितना आंकते हो ना, असल में ये दुनिया उससे ज्यादा बड़ी और तगड़ी है। देखो मेरी एक बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, लाइफ में बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं होने वाला। रिस्क है तो इश्क है, ये हर्षद मेहता के वेब सीरीज का बड़ा ही मशहूर डायलॉग था, जिसे बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया गया था। लोगों का कहना होता है रिस्क लेने से इंसान बर्बाद हो जाता है। मेरे भाई, क्या अभी तुम आबाद हो? क्या तुम सफल हो चुके हो? नहीं ना, अभी तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, फिर रिस्क लेने में कैसा डर? देखो, अगर तुम्हें क्लास में टॉप करना है तो फालतू के टाइम पास छोड़कर रात भर जाकर पढ़ने का रिस्क लो। अगर आर्मी में जाना है तो मेहनत करने और पसीने बहाने का रिस्क लो। अगर जिंदगी में एक बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा धमाका करना है, तो लोगों के खिलाफ जाने का रिस्क लो। रिस्क को लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है, लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊं तो शायद आप भी हैरान रह जाओगे कि रिस्क के बिना जिंदगी का कोई मजा नहीं है। अगर रिस्क जिंदगी से गायब हो जाए तो जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे खाने में बिना नमक। देखो यार, अगर तुम्हारे मन में कुछ जानने की, कुछ बढ़िया करने की, कुछ हटकर करने की चुल नहीं मचती ना, तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। करो तो जिंदगी में कुछ ऐसा कि नाम बन जाए, रचो तो जिंदगी में कुछ ऐसा कि इतिहास बन जाए। रिस्क में फेल हो जाने के कुछ सबसे बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण अगर मैं बताया तो वो ये है कि बिना जांच पड़ताल के जोखिम उठा लेना। जैक मा ने कहा था, मैं कभी भी किसी नदी की गहराई दोनों पैर से उतरकर नहीं नापूंगा। मेरे ख्याल से आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। आंख बंद करके दूसरों के सुन के और बिना रिसर्च और पूरी जानकारी की अगर किसी फील्ड में हाथ पैर मारोगे तो मुंह के बल गिरोगे ही ना। लेकिन अगर तुम कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी के मतलब को बदल देगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम रिस्क लेते भी हो तो क्या हो जाएगा? फेल हुए भी तो क्या हुआ? एक ही जिंदगी है ना। आज बिल गेट्स कितना भी अमीर है, लेकिन मरने के बाद वे सब यही छोड़ जाएंगे। बात खत्म। अगर तुम कुछ भी जोखिम उठाते हो इन ए राइट वे, तो ये एटलीस्ट तुम्हारी जिंदगी को सफल बनाने के साथ साथ तुम्हारी मेंटेलिटी और मैच्योरिटी लेवल को भी काफी हद तक मजबूत करता है। मेरे दोस्त, मैं अब भी तुमसे कहूंगा, रिस्क लेने से मत डरो। नहीं तो आज कहीं फंसने के डर से रुक गए तो रुके रह जाओगे, लेकिन आज से जब 50-60 साल बाद ऐसे ही किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, तब शायद तुम्हें मेरी बोली गई इन बातों को ना मानने का अफसोस होगा। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देती है, तब भी वे अपनी जान पर रिस्क लेती है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। जरा सोचो, अगर ऐसा हर माँ सोचने लगे तब तो कोई जन्म ही नहीं ले पाएगा। जब एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा अपने देश की सुरक्षा करता है ना, तब उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि कब कौन सी गोली उसके शरीर को आर पार करेगी और उसकी मौत एक भयानक चीख और दर्द के साथ हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो देश की सेवा करते हैं, वे डरते नहीं है। अगर हर सैनिक बस अपनी जान पर रिस्क लेना छोड़ दे तो क्या होगा देश का, देश के लोगों का? पल भर में दोबारा अगले 300 सालों के लिए अंग्रेजों के गुलाम बन जाओगे। मेरे दोस्त, बिना रिस्क के लाइफ में कुछ भी अच्छा पॉसिबल नहीं है। जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। लाइफ के इस रेस में दौड़ने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दौड़ा है तो चोट लगने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर इसी चोट के डर से तुम दौड़ने का रिस्क नहीं लोगे तो रेस जीतोगे कैसे? इसीलिए आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए जमीन से पांव हटाना पड़ता है। कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें रिस्क का असली वैल्यू पता चल चुका होगा। रिस्क लेने के लिए जो सीने में आग चाहिए, वो तुम्हारे सीने में लग चुका है। इसलिए आपसे इस गलत फहमी को दूर करो कि रिस्क लेने वाला बर्बाद होता है। रिस्क लेने वाले जिंदगी को आबाद करता है, जिंदगी को निखारता है और बेहतर करता है। इसीलिए रिस्क लो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दो और इसे खूब शेयर करो, जिससे कि भारत के हर युवा के अंदर ये जुनून, ये जोश जागे कि रिस्क लेना कैसे उनकी तकदीर बदल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।